इसलिए उसने फादर की आईडी लगाई, फिर खुद की आईडी लगाई, आज दोनों आईडियो पे एक 23 ईयर का लड़का सेल्स मास्टर है। अगर दोनों आईडियो में बात करूं तो 2 लाख अबव जाता है। ओके मैं जब इनसे मिला, एक्चुअली हमारा तो थोड़ा सा ऐसा है कि इनका कोई रिलेशन हमारे किसी रिलेशन में वहां है कुछ थोड़ा था, तो इनकी मम्मी मेरे को मिली कि मेरा जो बड़ा वाला लड़का है, इनका जो बड़ा भाई है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो जो भी 40-45 हज़ार 42 हज़ार जो भी कमाता है। एक्चुअली मेरा लड़का खराब हो जाएगा, मोहल्ले वाले बोलते हैं कि इसको नौकरी नागरी लगाओ, क्या फालतू कामों में लग गया है। इसकी मम्मी ने, रजत जी मम्मी ने मेरे को रात को 1 घंटे फोन किया और 1 घंटे मैंने इनकी मम्मी को समझाया कि आंटी जी 2 साल मुझे दे दो, 2 साल बाद में अगर दो नहीं 1 साल दे दो, अगर 1 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आप कुछ भी करवा लेना, ये मान लो कि 1 साल आपने इनकी कोई कोचिंग वोचिंग करवा दी। बट इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, तो आगे अपनी जर्नी खुद बताएंगे, तो प्लीज जोरदार क्लैपिंग साथ में, माइक हैंड ओवर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। सर ने बेसिकली मेरा बता दिया, माई सेल्फ रजत सिंह तंवर, नीम का थाना सीकर से बिलोंग करता हूँ। और जर्नी आज से स्टार्ट हुई 2.5 साल पहले, जब हम बेसिकली तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, फिर लग गया एकदम से लॉकडाउन। लॉकडाउन में कुछ करने के लिए था नहीं, फिर एक बंदे ने बताया इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च होने वाली है, नाम है एटमी। कुछ बेसिक नहीं था, ना प्रोडक्ट था, मैंने कहा फ्री में आइडिया लगा दें। मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं था, मेरा आज पैन कार्ड तो नहीं है, क्या पापा के लगा दें। थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करा, मुझे क्या लगा आईडी लगाने का पैसा मिलता है। मैंने 10 दिन में 100 आईडी लगा दी, मैं बोला भाई एक आईडी का कितना मिलेगा, 100 रुपए? तो भाई मेरे पैसे भेज दिए क्या? भाई ये नहीं पता। 10 दिन बाद उसने बिजनेस छोड़ दिया। मैं यार तू तो फंसा के चला गया, आईडी लगा दी 100 रुपए, पैसा भी नहीं मिला। मैं भाई कोई है उसको पता, मुझे पैसे दे ही मेरे, मैंने तो आधार कार्ड पैन कार्ड लगाए सबके। उन्होंने अंकित जी से बताया, अंकित जी ने बताया कि मास्टरशिप प्लान होगा, एजुकेशन होगा, SAPV होगा, मेरा आईडी का पैसा नहीं मिलेगा मतलब मुझे। फिर उन्होंने बताया, सीखना स्टार्ट करा, सीखना उस टाइम में कुछ नहीं था करने के लिए, घर वालों से छुप छुप के करा 1-2 महीने। फिर हमने कुछ मीटिंग करना स्टार्ट करी, लॉकडाउन के अंदर हमने छुप छुप के मीटिंग करी है, क्योंकि अलाउ नहीं था, बंद करके रूम को मीटिंग करना स्टार्ट करा। शुरुआत में ऐसी हालत थी कि हमारे पास मीटिंग पे जाने के पैसे नहीं थे। आज से 2 साल पहले हमारी एक मीटिंग हुई जयपुर में, मैं महेंद्र सर एक और थे। अब जयपुर आने जाने का हमारा किराया लगता है एक पर्सन का लगभग 300 रुपए, आने जाने के 900 रुपए। लॉकडाउन में घर वालों को छुप के आते, 900 रुपए स्टूडेंट के पास होते नहीं है। एक फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, ये हमारी फोटो है, बैकग्राउंड सर, ये तीन है, तीन हेलमेट में 3 लोग है, बीच में मैं हूँ, वो महेंद्र सर है। अब जयपुर में बीच में यहाँ पे आता है पुलिस वाले, मैं रुक, वो आधे किलोमीटर पैदल चल रहा है, वापस चल रहा है, मैं जेब में 100 रुपए भी नहीं है, पकड़ लिया ना बाइक वो खड़ा कर देगा। ये हालत थी, लेकिन एक जुनून था, मंजिल पाने की आस और खुद पे विश्वास, बाकी सब बकवास, यही एक उम्मीद थी। करना स्टार्ट करा, और सबसे पहले मैं अपने आप को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ध्यान रखना कोई साथ दे ना दे, मेरे फैमिली वाले मेरे सपोर्ट में नहीं थे, मेरे भाई मेरा सपोर्ट में था, कोई सपोर्ट में नहीं था, मेरे साथ में खुद खड़ा था। अगर आप अपने साथ आने वाले 3 साल खड़े रहोगे, आपकी इनकम भी 1.5 से 2 लाख तक होने के लिए तैयार है। तो कौन कौन तैयार है आने वाले 3 साल तक खड़े होने के लिए? ऐसे नहीं अपनी नाक पे उंगली रख के कहो, सुरपंखा की नाक कटी थी, आपके नाक पर पिगमेंटेशन हो जाएगा। लिख के करना, अपने आप से प्रोमिस करना है। तो आप मेरी डायरी में आज भी पहले ऊपर ये लिखा हुआ है, मैं मेरा साथ देने वाला हूँ, देना स्टार्ट करा। और राठौड़ सर ने एक बात कही कि ये बिजनेस हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का है। ये अचीवमेंट अकेले दम पे नहीं हो सकता, इसके लिए मेरी पूरी टीम खड़ी है। तो एक बार मैं चाहूंगा मेरी पूरी टीम मेरे साथ आ जाए प्लीज, क्योंकि इन्हीं की वजह से हुआ। एक छोटी सी टीम ज्यादा बड़ी टीम थी, लेकिन पिछले 15 दिन में हमने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस निकाला नेचुरली तरीके से। ये सब इन्हीं की बदौलत है, प्लीज कम ऑन देखते। यार इस बंदे की 23 साल की उम्र में 1.5-2 लाख इनकम है, लेकिन इसके पीछे मेरी 3 साल की मेहनत है। मैंने 10 से 12 घंटे काम करे, 300-300 कॉल कर रहे हैं, टीम के अचीवमेंट पे फोकस करा। आज मेरे साथ मैंने 3 लोगों के अचीवमेंट पे फोकस करा, मेरा अचीवमेंट अपने आप हो गया। राठौड़ सर का कहना है हीरो बनना नहीं, हीरो बनाना है। अगर आपने टीम में हीरो बना दिए, आप फोटो में सबसे जाओगे। दूसरा, अपना दिमाग नहीं लगाना है,
ध्यान रखना इस बिजनेस में, अगर आप भोले बन के काम करोगे, जो ऊपर बता रहे हैं राठौड़ सरंगी सर ने जो बताया वो अपने डुप्लीकेशन करा, उसका आपको आज नतीजा मिलना स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छी जंग नहीं रही, और आज मेरे भाई की इनकम मंथली होती है 45,000, जितना मैं वीकली कमा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई अब आ जा। तो ये होने वाला है, बस सिस्टम पे विश्वास रखो। अप्लाई है जो भी इसने आपको ज्वाइन करवाया है उसके साथ अच्छे रिलेशन रखो, उन सिस्टम को फॉलो करो, आप एक दिन स्टेज पे आने वाले हैं। और एकेडमी बहुत बड़ा बिजनेस है। आप मैंने एज ए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हमारे राजस्थान में, क्या भैया पढ़ ले, पहला मोटिवेशन है तेरी शादी नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो पहला मोटिवेशन तो ये है। मेरी मम्मी को बहुत बार डर लगता, तो उन्हें सब कुछ बिजनेस को छोड़ दिया। आखिर मैंने कहा एकेडमी मेरी अंतिम लड़ाई समझ के करूंगा, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब रात को सोचता हूँ भाई आज काम नहीं हुआ, क्योंकि एक ही काम करना है। और एक मैं कहता हूं आपको, 1000 स्किल शायद जरूरी नहीं है, 1 स्किल ऐसी आनी चाहिए जिसमें आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी कि जहां मैं खड़ा हो जाऊं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर मेरे से कोई बड़ा लीडर ना हो, इतना नॉलेज हो। तो ये बोलते हैं ना, दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, आपको गेम चेंजर बनना है। जिस टीम में चले जाओ टीम का माहौल बदल दो, बेसिक करो, लर्निंग करो, एक दिन स्टेज आपका होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच राठौड़ सर, पूरी टीम को, इनके मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ पे हूँ, राष्ट्रपति के प्यार से। ओके, थैंक यू सो मच।